नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सिंगल कलर डिज़ाइन। ये मैंने सैम्पल बनाया है 33 फंदों में, 33 फंदों में, और ये हमारी 4 सिलाइयों की बुनाई है। 3 सिलाई में हमारा डिज़ाइन आएगा, 4थी सिलाई में उल्टी 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 साइड से बुननी होती है। ये इस डिज़ाइन को आप किसी में भी डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन और मफलर वगैरह में, कैप में डाल सकते हैं। और कार्डिगन में तो आप जैसे बॉर्डर के रूप में भी डाल दो, और इधर पर बटन पट्टी के रूप में भी आप इसे डाल के बीच में प्लेन बना सकते हैं। तो आइए हम इस डिज़ाइन को निकालना शुरू करते हैं। ये मैंने 9 नंबर से बनाया है, इस सैंपल पर बना के दिखाऊंगी मैं। इसमें मैंने 17 फंदे डाल के 17 और 1 सिलाई उल्टी निकाल दी है। सीधी साइड से हमारा ये डिज़ाइन निकलेगा। पहला फंदा बुन लिया या बिना बुने ले लीजिए, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुन के फिर धागा हमें ऊपर ही रहने देना है, और इसको इस तरह से एक धागा बढ़ गया, एक फंदा बढ़ गया और सीधा बुन लिया, फिर धागा ऊपर करना है, फिर इसको इस तरह लपेटना है, उल्टी साइड उल्टा बुनना है, उल्टी साइड में धागा हमें एक फंदा भी बढ़ाना है। सीधा फंदा, धागा ऊपर ही रहने देंगे, एक सीधा फंदा, फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे पहले ऊपर और इस तरह से, क्योंकि हमने उल्टा बुनना है तो इसे पूरा ऐसा गोल घुमाना पड़ेगा, हमें उल्टा बुन देना है। और धागा ऊपर ही रहने देंगे, फिर सीधा बुनेंगे, मतलब दोनों उल्टे में भी जो है हमारी एक फंदा बढ़ेगा और सीधे में भी एक फंदा हमने बढ़ाना है बीच में। इसी तरह से हम ये अपनी सिलाई पूरी करेंगे। सीधा बनाया ऐसे धागा, या फिर उल्टा बनाने के लिए उल्टा फंदा ऐसे धागा मोड़ना है हमने इस तरह, और ये फंदा हमारा उल्टा बन गया है लास्ट का। इसको हम सीधा ही बुन लेंगे लास्ट का फंदा। उल्टी दिखा सिलाई देखिए कैसे बनानी है। इसमें हमने पहला फंदा इस तरह ले लिया बिना बुने, ये बुन लीजिए आप। ये जो हमने पीछे से उल्टा बनाया था इसको हम सीधा बना लेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। सीधा बना लिया, अब धागा ऊपर करेंगे। ये जो हमारे ये इधर भी बड़ा था एक फंदे के, और इधर भी हमने उल्टी साइड से ही बढ़ाया था, उल्टा बुनते हुए और सीधा फंदा बुनते हुए, तो हमारे 3 फंदे हो गए। एक बीच में है और 2 इधर के बड़े हुए, जाली के बड़े हुए, समझ लीजिए जाली के बड़े हुए जो, तो उनको हमने तीनों को एक करना है पहले। तीनों को ये 3 फंदे मैंने सिलाई में लेके इनको इस तरह से निकालना है एक फंदा, फिर इसमें धागा घुमाना है। 3 के हमने 3 ही निकाल देने, ऐसे 3 के 3 निकाल के और इसे छोड़ देना है। फिर धागा नीचे करके ये फंदा सीधा बुन लेना है जो पीछे से उल्टा था हमारा बनाया, फिर धागा ऊपर करेंगे। फिर इन 3 का ये जो 3 है ये जाली का फंदा इधर भी और इधर भी जाली का फंदा, और बीच में 1 है, तो इसको हम तीनों को एक एक बुन लेंगे। इनका 1 किया, धागा घुमाया और फिर इस तरह से ले लिया, फिर सीधा फंदा हम उल्टा फंदा ये सीधा बुन लेंगे इस साइड से। फिर धागा ऊपर करेंगे, फिर इन 3ों का हम 3 फंदे निकालेंगे। पहले 1 करेंगे ऐसे और धागा घुमाया, और ये 3 का हमने 3 ही फंदे निकाल दिए। सीधा बनाया, धागा ऊपर करा, इन 3 फंदों को हम ऐसे ले लेंगे। थोड़ा सा पहली बारी में थोड़ा दिक्कत आ फंदों को इकट्ठा करने में, नौकीली आप सिलाई लीजिए उससे फटाफट हो जाता है। 3 कर दिए, धागा नीचे करा, फंदा सीधा और लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। देखिए इस तरह है, अभी तीसरी सिलाई हमारी, तीसरी सिलाई देखिए। पहला फंदा हम इस तरह ले लेंगे, धागा ऊपर करा, ये उल्टा फंदा है, पीछे सीधा बनाया था उल्टा है, फिर धागा नीचे करेंगे। अभी ये 3 है हमारे, इनको हमने 1 बनाना है, तो इस तरह से ये वाला धागा, ये वाला फंदा पहला वाला इस तरह से ले लेंगे, इन दोनों को 1 बना देंगे। बना दिया, बना के फिर ये वाला फंदा जो हमने बिना बुने ले लिया था
इसको हम इस तरह से इसके ऊपर से गिरा देंगे ऐसे, तो इस तरह आ जाएगा, देखिए ऐसे बन जाएगा। फिर धागा ऐसे उल्टा बनाया, फिर नीचे करा, फिर इस तरह से लेना है, ऐसे नहीं लेना है बंदा, इस तरह से बिना बुने ले लेना है। और ये हमारा 2 का 1 हो गया। फिर इसको इस तरह से इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर धागा ऊपर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा नीचे करेंगे, फिर ये हो गया। इस तरह से फंदा लिया, ऐसे बिना 2 का 1 करा, ये हमारे 3 फंदे जो थे उनका 3 का 1 हो गया। इसी तरह से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। देखिए लास्ट में आ गए हम, उल्टा बनाया, धागा ऊपर करा, इसको इस तरह से लिया फंदे को ऐसे, धागा नीचे रहने देंगे, इस तरह से लेंगे और इसे ऐसे सीधा बनाएंगे। ये बनाया और फिर इसको हम फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे इस तरह से, धागा ऊपर करा। और ये फंदा लास्ट का ये उल्टा बुना, और ये एक्स्ट्रा फंदा हमने सीधा बुन देना है। और उल्टी सिलाई हमारी 4थी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे पूरी, ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी ऐसे, इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी बना लेती हूँ मैं। उल्टी सिलाई पूरी हो गई हमारी, आगे हम सीधी सिलाई पे, अब अगली डिब्बी शुरू होगी हमारी। ये तो अभी इस लाइन में हम 5वीं सिलाई में हम इस तरह करेंगे, जैसे कि पहले सीधा बनाया था हमने, अब ये सीधा बनेगा, इस पे डिजाइन पड़ेगा ये वाला, और ये उल्टा बनेगा, ये सीधा बनेगा उल्टा। उसी तरह से 5वीं सिलाई में धागा घुमा के उल्टा सीधा बनाना है हमने। देखिए किस तरह से बनेगा, ये फंदा ले लिया, इसको हम सीधा बना देंगे। पहले सीधा किस तरह बनाएंगे, पहले धागा ऊपर कर देंगे और एक फंदा इस तरह से जाली के फंदा लेते हुए बनाएंगे ऐसे। अब उल्टा बनाने के लिए ऐसे मोड़ेंगे, जैसे मैंने पहली सिलाई में बताया था, ये उल्टा बन गया, धागा ऊपर रहने देंगे, ये वाला फंदा सीधा बन जाएगा, इस सिलाई में चेंज हो जाएगी डिब्बी, और ये वाला उल्टा बन जाएगा। ये सीधा फंदा है, ये उल्टा बनेगा। उल्टा बनाने के लिए इस तरह घुमाने हमने धागा, ऐसे घुमा दिया, फिर धागा ऊपर रहने देंगे, ये सीधा बना देंगे इसको ऐसे, ये फंदा बढ़ गया। ऐसे हम पूरी सिलाई बना लेंगे अपन। लास्ट में आ गए हम, लास्ट फंदा उल्टा बनाया, ये सीधा बनाना है लास्ट का इस तरह से। ये लास्ट का फंदा हम एक्स्ट्रा फंदा उल्टा बना लिया, ये हमने सीधा फंदा बनाया था जो लास्ट में, यूँ करके ऐसे लपेटना है ऐसे। और हमें लास्ट का फंदा भी हमें उल्टा बुनना है, जाली लेते हुए, जाली लेते हुए उल्टा बुन देना है। अब हम इसको इस तरह से बुनेंगे, दूसरी सिलाई इस तरह से सीधा बना दिया, धागा ऊपर करेंगे, और ये 3 फंदों का पहले 1 करेंगे हम, उसी तरह से जैसे पहले किया था दूसरी सिलाई में, 3 का 1 करा और धागा ऐसे लपेटा, और 3 के हमने 3 निकाल दिए फंदे ऐसे, धागा नीचे करेंगे, और जो ये पीछे से हमने उल्टा बुना था वो सीधा बना देंगे इस तरह से। ये धागा ऊपर करेंगे, फिर उसी तरह से हम इन 3 का 1 करेंगे। 3 फंदे हैं, 3 का हम पहले 1 करेंगे, धागा घुमा के 1 फंदा बढ़ाएंगे, और ये 3 के हमारे 3 आ गए। फिर धागा नीचे करेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा ऊपर करा, फिर ये 3 फंदे फिर से लेंगे हम। इनको एक जाली वाला है, 2 जाली वाले और 1 बीच का फंदा। तीन फंदे ले लिए मैंने, देखिए एक जाली वाला दोनों साइड से, और बीच में फंदा है जो जिस पे जाली डाली है, इस तरह से बना लेंगे। धागा नीचे करा, ये सीधा बना दिया फंदा, धागा ऊपर करा, फिर उसी तरह से हम ये इस पे 3 फंदे ले लेंगे। ये लास्ट में आ गए हम, 3 फंदे हमारे इस बार लास्ट में बनेंगे। 3 फंदे लिए और इस तरह से फंदा निकाला, 3 के 3 हो गए। लास्ट का फंदा हम सीधा बुन लेंगे। दूसरी सिलाई पूरी हुई, तीसरी सिलाई, तीसरी में उसी तरह से करेंगे हम। ये दूसरे डिजाइन की 3री सिलाई है, ये इस तरह से बनाया, धागा नीचे करा, इस फंदे को इस तरह से लेंगे ऐसे, ऐसे लिया, अरे 2 का 1 कर दिया, ये जो 2 फंदे हैं
दो का एक करके ऐसे, और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, इस तरह से आ जाएगा। धागा ऊपर करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा नीचे करेंगे, धागा नीचे करके एक फंदा इस तरह से लेना है, इन दो का एक बना देंगे। ये धागा ऊपर करेंगे, सॉरी एक बना के इसको इसके ऊपर से गिराना है, इस फंदे को इसके ऊपर से हम ऐसे गिरा देंगे। धागा ऊपर करेंगे, एक फंदा उल्टा, इसी तरह से बनाएंगे हम, ये ऐसे ले लेंगे, ऐसे करके पूरी सिलाई बना लेंगे हम ऐसे ऐसे। देखिए उल्टा बनाया, लास्ट में आ गया हमें ये वाला फंदा, इस तरह लिया, दो का एक बनाया, और इसके ऊपर से हमने ऐसे गिरा देना है ऐसे, इस तरह से लास्ट का फंदा उल्टा बना देंगे। उल्टी सिलाई, उल्टी 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 सिलाई है हमारी, इसको उल्टी बना देंगे ऐसे। मैं निकाल के दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से आ गया ये। अब अगली सिलाई में ये वाला फंदा हम उल्टा बुन देंगे, इसमें डिजाइन पड़ेगा, इस तरह से ये बनता जाएगा। मेरा डिजाइन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे डिजाइन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।